हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो वृंदावन वृंदावन में एक बेटा है मेरा, तो वो वहां भागवत कर रहे हैं, तो मुझे बुलाया है कि माता जी आप आइए। मैया बोलते हैं मुझे, मैया आप आइए, मेरा भागवत है 7 दिन का, 9 तारीख से 15 तारीख तक है। तो फिर हम लोग भागवत अटेंड करने के लिए जा रहे हैं साथ में, वृंदावन दर्शन। अब उसके बाद प्रभु जी और माता जी भी ज्वाइन कर ली, तो उससे भी क्या बोलेंगे, आह्लादिनी हो रही है। आह्लादिनी कल जो शब्द बोले थे, एकदम आह्लादमय प्रसन्न हूँ मैं, आह्लादमय। हरे आह्लादमय, कृष्ण। बहुत अच्छा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। बहुत माता जी बहुत खुश है ना आप। बहुत ज्यादा। ज्यादा दिन नहीं है, आज 21 चलिए आज हम 21 हो लोग गया, 28 दिन का है महीना, 7 दिन और क्लास 9 दिन, 8 दिन, सात 3 डेज मोर टू गो। 15 दिन, 15 दिन के अंदर वृंदावन धाम में सबको दर्शन देंगे। गोवर्धन पर्वत के ऊपर से सबको दिखाएंगे सीन जूम में जुड़कर। तो हरे ठीक है, कृष्ण। चलिए हम लोग शुरू करते हैं ठीक है। हमारा श्रीमद् भागवतम का सिलसिला। आज का हमारा श्लोक है प्रथम स्कंद 11 अध्याय, श्लोक संख्या है आपका 6। तो आज आप लोगों को पता भी होगा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिवस भी है, इसीलिए हम लोग ये इस श्लोक को ये करने के बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव के उपलक्ष्य में उनकी कुछ गुण गाथा को गाएंगे, थोड़ा श्रवण करेंगे, क्योंकि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है श्रील प्रभुपाद के गुरुदेव, मतलब हमारे परम गुरुदेव। तो ये जो श्लोक है यहाँ पर नागरिकों ने कहा, किसको कहा? नंदकिशोरी माता जी, भगवान श्री कृष्ण को कहा। कि क्या कहा? कि आप ब्रह्मा चारों कुमार तथा तो स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवता द्वारा भी पूजित है, आप उन लोगों के परम आश्रय है जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के इच्छुक है। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। प्रबल काल, यहाँ पे बहुत कुछ पॉइंट है इस अनुवाद में, हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि नागरिक द्वारका के नागरिक लोग क्या बोले। पहला पॉइंट कि आप ब्रह्मा चारों कुमार तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं और आप उन लोगों के परम आश्रय है जो जीवन के सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक है। हम लोग जीवन के सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक है या निम्नतम लाभ उठाने के इच्छुक है, कौन बता पाएंगे? हम लोग कौन सा लाभ उठाने के लिए भागवतम क्लास में आए हैं, सर्वोच्च लाभ या निम्नतम लाभ? सर्वोच्च लाभ। सर्वोच्च लाभ। तो सर्वोच्च लाभ का अर्थ होता है कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पण करना। और कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करने का अर्थ होता है कि हमारा अपना कोई कुछ अस्तित्व नहीं है, जो कुछ भी है कृष्ण का है, मेरा अपना बोल के कुछ है नहीं, तो वो जैसे चाहेंगे मैं उसी के अनुसार जीऊंगा या जीऊंगी। तो ये जो काल है ना, भगवान क्या है? दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल, जिसके कारण प्रबल काल भी अपना प्रभुत्व जमा नहीं पाता। हमारा शरीर क्या है, दिव्य है या भौतिक है? हमारा शरीर है भौतिक भौतिक, है प्रभु जी। भौतिक होने के कारण इसका जन्म होता है और इसका मृत्यु भी होता है।
लेकिन जो दिव्य होता है ना उसका जन्म होता है ना मृत्यु होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्ता भविता न भूय। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। इसके बाद क्या है श्लोक, अजो नित्यम शाश्वत पुराण पुरुष पुराण न हन्यते हन्य माने शरीर। ये जो आत्मा है शरीर के विनष्ट होने के बावजूद भी ये विनष्ट नहीं होता। तो आत्मा जो है वो दिव्य है, लेकिन हम लोग आत्मा को अनुभव नहीं कर पाते जिसके कारण हम लोग को मरना पड़ता है। तो कृष्ण आत्मा है या भौतिक शरीर है? कृष्ण का पूरा शरीर पूरी तरह से आत्मा है। हम लोग परसों के क्लास में इस विषय में डिस्कस किए थे कि कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है, पूर्णतया वो 100% आत्मा है, जिसके कारण ना उसका जन्म होता है ना मृत्यु होता है। तो प्रबल काल, काल मतलब समय, कल का समय हमारा चला गया, परसों का समय चला गया, पहले हम लोग छोटे बच्चे थे, अभी युवक बने, भविष्य में बूढ़ा बनेंगे। तो काल जो है ना हम लोग को अपने चपेट में ले रहे हैं। आज जैसे गीता माता जी बोल रहे थे प्रभु जी उम्र भी हो गया ना, तो मैं बोला कि कहाँ उम्र हुआ, कहाँ उम्र हुआ, तो हंस रहे थे। तो इसका मतलब जब कोई बोल रहा है कि मेरा उम्र भी हो गया, दैट मीन्स हम लोग काल के चपेट में आ गए। कृष्ण तो नहीं बोलता कि उम्र भी अमर हो गया, हम लोग सभी बोलेंगे लेकिन भगवान नहीं बोलते। क्यों? भगवान को काल स्पर्श नहीं कर सकता, नहीं करता, क्योंकि भगवान पूर्णतया 100% आत्मा है और हम सब आत्मा है लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं करते, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण हम लोग को मरना पड़ता है, जीना पड़ता है, शरीर त्यागना पड़ता है, दूसरे शरीर में जाना पड़ता है। इसीलिए हम सबको उतना आसक्ति नहीं होना चाहिए शरीर में। इस शरीर के प्रति ज्यादा आसक्ति होने से क्या होगा, अंत समय में मृत्यु के समय परेशानी होगा, आत्मा निकलेगा नहीं, बोलेंगे नहीं 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 ये शरीर नहीं छोड़ सकता, ये मेरा सबसे प्यारा है, इसे करके आत्मा जाना चाहते हैं लेकिन लेकिन वो जाने नहीं देते क्योंकि आसक्ति के कारण। आप बोलेंगे यहाँ पे बोले तो अच्छा रहे। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को समझे, दीक्षा क्या करना है, दिन में कितना बार बोरोप्लस लगाना है अपने चेहरे में, कितना बार लगाना है बोलो, 24 घंटा 24 घंटा बोरोप्लस लगाना है, तब तो हो गया भगवत धाम। 24 घंटा बोरोप्लस लगे तो जमदूत पूरा दो ऐसे गर्दन को पकड़ेंगे, हाँ गर्दन को पकड़ेंगे और बोलेंगे कि तुम यहाँ पे इंटरटेनमेंट करने के लिए आई हो, प्रकृति ने तुम्हें शरीर दिया है कृष्ण भक्ति करने के लिए, लेकिन यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, मटर सूटी खा रहे हैं, अच्छा हम तो खाते हैं मटर सूटी कच्चा, खाने से क्या इंद्रिय तृप्ति होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं खाता हूं, अगर मैं नहीं खाता तो मैं दूसरों को बोलता हाँ भाई। इसीलिए लोग जो अपना कुछ करते हैं ना वो दूसरों को बोलते हैं, अरे वो ऐसा ऐसा करते हैं, जो खुद करता है उसको वो नहीं देखते, कच्चा मटर सूटी आधा किलो डेढ़ किलो खाते हैं। तो जो भी है हमारे शरीर के प्रति आसक्ति को क्या करना है नेहा माता जी, कितना बार बोरोप्लस लगाना है? एक बार भी नहीं लगाना है, जैसे लक्ष्मी नहीं लगाते, वो नहीं लगाते, लेकिन मैं लगाता हूं, मैं बता रहा हूं मैं लगाता हूं, लेकिन वो नहीं लगाते। क्यों? उनको पता है, बोले कि जब जमराज आएंगे तब तो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, तो उस समय तो आसक्ति रहेगा, नहीं 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 मैं इतना दिन घिसा हूं बोरोप्लस और फेयर लवली, मुझे थोड़ा दो दिन के लिए रुकने दो, और अगर नहीं लगाएंगे तो आसक्ति नहीं, ठीक है जमराज आ गए, चलो चलो ले चलो 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 हम लोग रेडी है, टिकट कंफर्म है ना, ओके चलो भागते। तो हम लोग को आसक्ति मुक्त होने के लिए उस जगह के बारे में जानकारी लेना, कौन सा जगह, जहां पे हम लोग को जाना है, जहां पे हमारा नित्य
घर है, और नित्य घर का अर्थ होता है भगवत धाम, जहां से हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कुछ पॉइंट बताए हैं, जिनमें से पहला है कि भगवान जो है ना, भगवान जो श्री कृष्ण है, इसकी पुष्टि कोई साधारण व्यक्ति नहीं करते, बल्कि परम भगवत गीता, ब्रह्म संगीता जैसे महान महान दिव्य ग्रंथ करते है ना। इस संसार के बहुत सारे भगवान है, तो वो सब भगवान का कोई भी शास्त्र मेंशन किया है? साईं बाबा का कहां पर मेंशन है? गरुड़ पुराण में, गीता माता, या अनुकूल ठाकुर का कहां पर मेंशन है? ब्रह्म विवर्त पुराण में नहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का मेंशन कहां कहां पर है? ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जहां पर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान नहीं है। हर शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान किया गया है, तो इसीलिए इससे प्रमाणित होता है कि कृष्ण भगवान है। हाँ, मैं घर का मालिक हूं, मैं बोलूंगा मैं राष्ट्रपति हूं, मेरी पत्नी बोलेगी अच्छा, अरे बोलो मैं राष्ट्रपति हूं, अरे कैसे हो गए, तुमको मैं खिलाता हूं कि नहीं, साड़ी देता हूं कि नहीं, फिर भी नहीं बोलते मुझे राष्ट्रपति, बोलो। अच्छा ठीक है बाबा राष्ट्रपति है, मेरी पत्नी मुझे राष्ट्रपति बोला। मैं फिर दूसरे मेरे मामा को फोन किया, मामा मैं राष्ट्रपति हूं। हाँ भांजा, नहीं नहीं आप राष्ट्रपति नहीं, मैं आपका भांजा हूं कि नहीं? हाँ भांजा है, तो आप मेरा सपोर्ट रहोगे कि नहीं? हाँ रहेंगे, तो मैं राष्ट्रपति हूँ? हाँ आप राष्ट्रपति। ऐसे करके जबरदस्ती करके कितने सारे लोगों को आप इकट्ठा कर पाएंगे और बोलेंगे कि मैं राष्ट्रपति हूँ, लेकिन जो रियली में जो राष्ट्रपति वो सारी दुनिया उनको जानते है ना, यस और नॉट? उसी प्रकार जो श्री कृष्ण जो है ना रियली में भगवान, वो सारी दुनिया जानते उनको, ब्रह्म संगीता, ब्रह्म विवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, मधु पुराण, ये पुराण वो पुराण, हाँ उपनिषद, वेद, यजुर्वेद, सामवेद, हर वेद में, हर शास्त्रों में, हर ग्रंथ में, हर पुराण में पता है कि श्री कृष्ण भगवान है। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि कौन से शास्त्र में लिखा है कि साईं बाबा भगवान है? साईं बाबा तो खुद भी नहीं बोलता कि सबका मालिक एक है, मैं नहीं, सबका मालिक एक है, मैं नहीं, लेकिन फिर भी मूर्ख लोग उनकी पूजा करते हैं। अरे वो दिखा रहे कि आई एम नॉट दिस गॉड, सबका मालिक एक है, मैं नहीं, वो खुद बोल रहा है, लेकिन फिर भी मूर्ख लोग उनके पीछे भागता है ना। ये जो नेहा गीता माता जी की जो छोटी लड़की, वो भी उसी के पीछे भागते है। बड़ी ना ना, हाँ निशा निशा निशा, उनको भगवत गीता दिए है शादी में, पता नहीं कितना दिन इफेक्ट करता है प्रभुपाद का बोल, तो थोड़ा सा ज्ञान होगा तब आएंगे। तो इस संसार में लोग भेड़िया की तरह भागते हैं, एक भेड़ी जिधर जाते हैं उसके पीछे पीछे बहुत सारे गाड़ और भेड़ी। कौन कौन देखे नंदकिशोर माता जी? गाड़ और भेड़ी देखे? गाड़ और भेड़ी जिसमें 100, 200, 500 गाड़ और भेड़ी एक साथ चलते हैं, जो बहुत दूर से वो लोग चराने के लिए आते हैं, और उनका दूध जो है ना, गाड़ और भेड़ी का दूध बहुत मोटा होता है, किस किसने देखा है? हाथ उठाइए। भेड़, गाड़ और भेड़ी उसको बोलते हैं नंदकिशोर माता जी। विभा माता जी भी देखे, प्राणमोहन प्रभु जी आप देखे गाड़ और भेड़ी? आपका आवाज नहीं आ रहा है, बोलना है। आप गाडर भेड़ी देखे हैं? गाडर भेड़ी तो नहीं देखे, भेड़ी देखे। भेड़ी तो वो सब तो गांव घर में चराते हैं, जो पूरा पीला रंग का होता है। गाडर भेड़ी सफेद रंग का होता है, ऊन निकलता है ना ऊन। अरे नहीं, दो प्रकार का भेड़ होता है, एक गांव घर का, जो हमारे झारखंड में जो गांव घर में जो भेड़ मिलता है वो भेड़ अलग अलग है, वो तो पीला रंग का होता है, वो कुछ है, लेकिन एक एक गाडोर भेड़ी है जो पूरा सफेद सफेद बहुत मात्रा में 500 600 हजार एक साथ में 2000 लेके वो लोग चराते हैं। हाँ, तो उसको बोलते गाडोर भेड़ी। जो भी है अल्टीमेटली भेड़, तो भेड़ क्या करते हैं, जो पहले एक जाते हैं ना उसके पीछे पीछे सभी जाते हैं। वो अगर राइट में मुड़ेगा तो ये लोग भी राइट में मुड़ेंगे, वो अगर बाएं में मुड़ेंगे तो ये लोग भी बाएं मुड़ेंगे। भेड़ का चाल जो लक्ष्मी कभी कभी बोलते हैं भेड़ चाल, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कि मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। भेड़ चाल है वर्तमान संसार, क्या है भेड़ चाल, बिना कुछ शास्त्र का प्रमाण, बिना कुछ हवाला, बिना कुछ उदाहरण देके हम लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं, तो ये मूर्खामी है हमारा।
हम लोग मूर्ख है, इससे पता चलता है। तो हम लोग को मूर्ख नहीं बनना है, मनुष्य जीवन मिला है बुद्धि प्राप्त करने के लिए, हायर इंटेलिजेंस प्राप्त करने के लिए। हाँ, इसीलिए हम लोग को इस तत्व को समझना है और कृष्ण कौन है इसके बारे में समझना है। जब तक हम लोग कृष्ण कौन है इसके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग पशु स्तर में रहेंगे और अगले जीवन में पशु ही बनना पड़ेगा। तो पशु अभी भी हम लोग पशु है। कोई बोलेंगे प्रभु जी आप क्या बोल रहे हैं, मेरा दो हाथ है, इतना सुंदर चेहरा है, बॉलीवुड में जाने से हीरोइन या हीरो बन जाते, और बोलते हैं मुझे पशु। पशु मतलब होता है जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं, उसको बोला जाता है पशु। है ना, क्या श्लोक है महाभारत का, कि धर्मस्य क्या एक श्लोक है मुझे याद नहीं आ रहा, कि जो मनुष्य और पशु में जो भेद करता है, धर्मस्य ते अधिक विसारा, अरे छोड़ो श्लोक नहीं याद आ रहा, लेकिन श्लोक में महाभारत के श्लोक में वन पर्व में वो चीज का वर्णन आया है कि मनुष्य के भी दो हाथ दो पैर है और पशु के भी चार पैर है। हाँ, तो पशु ऐसे करके चलते और मनुष्य ऐसे करके चलते, तो उस पशु और मनुष्य में अंतर कितना है। अगर वो मनुष्य भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वो मनुष्य है, अगर वो भक्ति नहीं करता तो वो भी पशु है, ये शास्त्र का वर्णन है। तो हम लोग इतने सारे 4 लाख, अभी दुनिया में कितने सारे जनसंख्या है, 850 करोड़। तो 850 करोड़ जनसंख्या में अगर जितने सारे लोग कृष्ण भक्ति कर रहा है वो है मनुष्य, और जो नहीं कर रहा वो सब है पशु, वो मनुष्य नहीं है। ये शास्त्रों का मत है, फिलोसॉफिकल साइंस का मत है, ठीक है। तो हम लोगों को मनुष्य शरीर में, हम लोग को शरीर मिला है मनुष्य शरीर, इसलिए हम लोग उसको सही उपयोग कर रहे हैं। तो भगवान का दूसरा क्वालिटी क्या है, कि भगवान कृष्ण से बढ़कर या उसके समतुल्य कोई नहीं है। असमर्थ, भगवान का एक नाम है असमर्थ, असमर्थ मतलब ना कोई उनसे बड़ा है ना कोई उनसे उनके समान है। जैसे हम सबसे जैसे एक चीज बता रहे हैं, इसका एग्जांपल दें, संध्या माता जी बोल सकते नहीं प्रभु जी मुझसे भी बड़ा भक्त है नंद किशोरी माता जी। नंद किशोरी माता जी बोल रहे सुबह सुबह आज के क्लास में, गीता माता जी अभी तक नहीं आई, गीता माता जी हमसे भी ज्यादा बड़े है, उम्र में भी बड़े, ऐसे बोले थे सब भक्तों को प्रमाण है, याद है। नंद किशोरी माता जी क्या बोले आज के क्लास की स्टार्टिंग में, कि गीता माता जी मुझसे भी बड़ी है। गीता माता जी अगर पूछेंगे माता जी, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, हम तो इसलिए बोले प्रभु जी कि बड़े या छोटे तो हम तो किसी को नहीं समझते हैं कि हमसे के बड़े है के छोटे है, समझे प्रभु जी। जिनके पास हम यही समझते हैं कि जिनके पास गुण रहता है वही बड़े हैं सबसे, तो हम ये भेदभाव करके नहीं समझते। समझ गए, तो हमारे नंद किशोर माता जी बोल रहे कि गीता माता जी बोल रहे कि नहीं मेरे पास, हाँ पर माता जी बोले अभी वो बड़े। अगर मैं उनको पूछूं माता जी आप क्या बड़े हैं, हम सबसे जितने सारे उपस्थित हैं आप सबसे, हम सबसे बड़े हैं गुण में, ज्ञान में, धन में, क्वालिटी में, बताइए है या नहीं। सबसे बड़े हो प्रभु जी, आप सबसे बड़े हो, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा अभी, अच्छा चलिए, मेरे अभी अभी मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये जो देख रहे हैं यार, ये जो फोटो देख रहे हैं गुरु महाराज, ये है, ये गुरु महाराज है उससे बड़े, कहाँ चला गया, ठीक है। अभी गुरु महाराज को अगर कोई पूछे गुरु महाराज आप सबसे बड़े हैं, बोलेंगे नहीं सबसे बड़े हैं श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद को अगर कोई पूछे कि कौन है बड़े, तो श्रील प्रभुपाद बोलेंगे मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनका आज आविर्भाव दिवस है, तो हम लोग उसके विषय में अभी डिस्कशन करेंगे। तो इस प्रकार हम सबसे कोई ना कोई बड़े हैं, कोई ना कोई छोटे हैं, हम लोग किस स्थिति में है, मिडिल में, बीच में। अगर कोई बोले नहीं प्रभु मैं तो सबसे भिखारी हूं, अरे भिखारी से भी उससे भी छोटा हो सकता है, वो भिखारी पूरा दिन में 10 रुपये कमाता है,
लेकिन कोई कोई भिखारी पूरे दिन में 5 रुपया कमाते हैं, उससे छोटा हुआ। और कोई कोई भिखारी पूरे दिन में 100 रुपया कमाते हैं, कोई कोई भिखारी पूरे दिन में 1000 रुपया कमाते हैं। तो किसी से हम लोग, हमारी स्थिति क्या है, हमसे कोई ना कोई छोटा है और कोई ना कोई बड़ा है। लेकिन कृष्णा, कृष्णा का नाम क्या है, असमर्थ, ना कोई उनसे बड़ा है ना कोई उनके लेवल में, उसके परे कोई नहीं है, तो इसको कहते हैं कृष्ण। तो हम लोग जब भगवान श्री कृष्ण की इस तरह लीला कथा को अगर हम लोग श्रवण करेंगे, महिमा को अगर सुनेंगे, तो क्या होगा, कृष्ण हमारे प्रति प्रसन्न होंगे। कृष्ण कब, एक व्यक्ति कब प्रसन्न होता है, जैसे एग्जांपल मान लीजिए आज हमारे विभा माता जी क्लास में नहीं है, एक एग्जांपल क्लास में नहीं है, और हम लोग सभी मिलकर विभा माता जी का गुणगान कर रहे हैं, आज माता जी का जन्मदिन है, माता जी से कितने सुंदर भक्ति करते, ऐसे ऐसे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। माता जी क्लास में नहीं है, वो रात को यूट्यूब में देख रहे, तो अच्छा फील करेगा कि नहीं, दूसरे दिन सब भक्त को फोन करेंगे, करेंगे कि नहीं, विभा माता जी से पूछ लेते हैं, वेरीफाइड कर लेते, करेंगे कि नहीं बताइए, करना पड़ेगा। हाँ, तो माता जी बोले कि करना पड़ेगा, क्यों, कृतज्ञता के लिए, ग्रेटिट्यूड, कि आप लोग मेरे बारे में, यद्यपि मेरे पास इतना कुछ गुण है ही नहीं और इतना कुछ मेरे बारे में बोल दिए, सच में आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा दंडवत करना। माता जी ग्रेटफुल होके सबको फोन करेंगे सुबह सुबह। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है मतलब वो है फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण में है, लेकिन हमारे इस भौतिक आंखों में दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओनली 9 भक्त है, संध्या माता जी, विभा माता जी, पार्थ प्रभु, नेहा माता जी, अनामिका माता जी, गीता माता जी, प्राण मोहन प्रभु, नंद किशोर माता जी और मायसेल, हम लोग यहाँ पे 9 भक्त है, 9 भक्त है, यहाँ पे कृष्णा नहीं है। लेकिन चर्चा किसका हो रहा, मेरा या आपका या कृष्ण का, कृष्ण का। तो अभी कृष्ण खुश होगा कि नहीं, तो सुबह सुनेंगे क्या बोल रहे प्रभु, प्राण मोहन प्रभु खुश होंगे प्रभु, हाँ खुश होंगे। जैसे एग्जांपल दिए कि विभा माता जी हमारे क्लास में नहीं है और उनके बारे में पूरा ग्लोरिफिकेशन किए, और रात में जब यूट्यूब में देखेंगे तो वो गदगद हो जाएंगे। उसी प्रकार कृष्ण हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग आंखों से नहीं देख पा रहे, फिर भी उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होंगे। अगले दिन क्या करेंगे, वो बोलेंगे इनको तो मुझे भक्ति देना ही, इनके पास भक्ति नहीं है, क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दूंगा। हो सकता है ये ग्लोरिफिकेशन नहीं किए, जगन्नाथ देव प्रभु मेरे बारे में बोले, कृष्ण सोचेगा कल सुबह, हो सकता है ये नंद किशोरी माता जी, अनामिका माता जी, नेहा माता जी, गीता माता जी, पार्थ प्रभु, कोई भी, वो लोग कुछ नहीं बोले मेरे बारे में, सब कुछ जगन्नाथ प्रभु बोले, लेकिन फिर भी मैं भक्ति सिर्फ जगन्नाथ देव प्रभु को नहीं दूंगा, ये सभी भक्तों को दूंगा। क्यों, क्योंकि जगन्नाथ प्रभु तभी बोले जब ये लोग ध्यान से बैठकर मेरी कथा सुन रहे थे, है ना, कृष्ण ये सोचेगा सुबह सुबह। तो ये सभी भक्तगण मतलब ध्यान से बैठ के सुन रहे थे और प्रभु जी बोल रहे थे, अभी क्या करना है, मुझे सबको देना है भक्ति, सबको मुझे भक्ति देना है, देखना कल सुबह सुबह कितना दिन शुभ होगा। और ये हमारा तो दिन एवरीडे शुभ होता है ना, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, भागवत कथा का इतना महत्व है, क्योंकि भागवत कथा कोई फॉर्मेलिटी चीज नहीं है, भागवत कथा मतलब कृष्ण की महिमा कीर्तन है। हम लोग किसी की महिमा कीर्तन करेंगे तो बहुत प्रसन्न होंगे यार, कृष्ण अगर प्रसन्न हो, कृष्ण से ज्यादा कोई धनवान है, मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग अभी हमारे अनामिका माता जी है, माता जी का ग्लोरिफिकेशन किया, माता जी आपका चादर कितना सुंदर है, आपका मच्छरदानी लगा हुआ है, आप भगवान की कथा कितना सुंदर से, अगर मैं माता जी के बारे में ग्लोरिफिकेशन करूं, ठीक है, तो माता जी के पास मान लीजिए क्या बोलते हैं 10 करोड़ रुपया है, तो माता जी दूसरे दिन बोलेंगे प्रभु जी मेरे बारे में इतना ग्लोरिफिकेशन किए, तो चलिए 1001 रुपये डोनेशन करते,
एक एग्जांपल, ठीक है। चलिए 1 लाख रुपया डोनेशन, 10 करोड़ कितना है, 1 लाख रुपया उनको दे देते, इतने सारे भक्तों के बीच मुझे ग्लोरिफिकेशन किए। तो कृष्णा के अंदर में भी वही थिंकिंग, मैं तो करोड़पति, अरबपति, खरबपति, अनंतपति, तो चलिए मेरे बारे में भक्त इतना कुछ कर, चलो इनको हम थोड़ा सपोर्ट करते। तो कृष्ण के बारे में हम लोग गुणगान कर रहे, तो हमारा कुछ कमी होगा इस संसार में? कृष्ण के पास ओनली क्या अनामिका माता जी की तरह ओनली 10 करोड़ रुपया है या उससे भी ज्यादा है, बोलिए, उससे भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। तो अगर वो हमसे प्रसन्न हो तो हमें और कुछ दूसरा चीज चाहिए इस संसार में? हम लोग किसी भिखारी भगवान से अगर प्रेम करते हो सकता हमारा कुछ प्रॉब्लम होता। कृष्ण क्या है, परम पुरुषोत्तम दिव्य पुरुष, उनके पास सब कुछ है, भक्ति भी है। अच्छा आपको भक्ति चाहिए, चलो भक्ति का भंडार ले लो, भक्ति रूपी बैंक बैलेंस है। अच्छा तुमको धन चाहिए, ले लो तुरंत, अब बोले तुरंत ले लो। तो कृष्ण सर्वैश्वर्य पूर्ण है, उनके पास किसी भी चीज का अभाव नहीं है। तो ऐसे कृष्ण भगवान के हम सब तुच्छ दास है, भगवान के भक्त है। तो हम लोग राजकुमार है कि नहीं, रियल राजकुमार? रियल राजकुमार कौन है? मेरे गुरु महाराज बोलते हैं रियल राजकुमार और राजकुमारी हम सब है, जो कृष्ण के हम लोग हाँ, जो कृष्ण के चरणों में अपने आप को डेडिकेट किए। तो अभी पार्थो प्रभु बोलेंगे, प्रभु जी विभा माता जी मंथली 50,000 रुपये कमाते हैं, हम तो ओनली 10,000 रुपये कमाते हैं, है ना? पूछ सकते हैं अभी, वो प्रश्न कर सकते हैं। नहीं, ये चीज आपको कंपेयर नहीं करना है। ये जो धन मिल रहा है ना, ये पिछले जीवन के कर्म फल के अनुसार मिल रहा है, लेकिन अब जो धन मिल रहा है, जब अकाउंट में जो क्रेडिट हो रहा है, कुछ कुछ होता है ना एनएफटी और आईएमपीएस, है ना, एनएफटी और आईएमपीएस। तो अभी जो हमारा जो कृष्ण भक्ति हम लोग किए, ये कृष्ण भक्ति जो कर रहे हैं, अभी कृष्ण हमारा ट्रांसफर कैसे किया हमारे अकाउंट में, एनएफटी किए है, इसीलिए दिख नहीं रहा, वो 1 घंटा बाद क्रेडिट होता है। आईएमपीएस का तुरंत दिखता है, आईएमपीएस मतलब अरे भैया बोलता है कि हर महीना 50,000 रुपया आता, वो भी तो जूम क्लास ज्वाइन करते, मुझे 10,000 रुपया क्यों मिलता है, है ना? तो ये जो है ना, ये आईएमपीएस है। तो भगवान बहुत दूर में है ना, इसीलिए बहुत ज्यादा पैसा कटता है। जैसे कोई वेस्टर्न यूनियन में अगर पैसा भेजता है विदेश से, उसको पैसा कटता है, इसीलिए वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में ना था कि उनके नाम पे दे देता है, ताकि पैसा कम कटे। तो भगवान भी उससे सोचे, अगर आईएमपीएस करेंगे तो जितना पैसा भेजे उससे 25% कट जाएगा, तो क्यों इसको एनएफटी कर देते। तो एनएफटी मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, हो चुका है, आपको पता नहीं चल रहा है, 1 घंटा के बाद, इस जन्म के बाद सीधा भगवत धाम में जाके एंजॉय करेंगे, ये है रियल क्रेडिट। इस तत्व को हम लोग को समझना है, और ये तत्व कहाँ पर मिलता है, भक्तों के संग में मिलता है, जो भागवतम को अध्ययन कर चुके हैं, जो गुरु महाराज से श्रवण कर चुके हैं, जो श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों को अच्छी तरह अध्ययन कर चुके हैं, उनके पास ये अनुभव, हमारे जीवन का अनुभव, जिसके माध्यम से हम लोग परम शांति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि संसार में परम शांति कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जिसके जीवन में भय नहीं है, जिसके जीवन में भय नहीं है उसके जीवन में परम शांति प्राप्त होता है। अभी प्रश्न उठ सकता है, हमारे जीवन में भय है कि नहीं? मान लीजिए, चलिए किसी के पास वो स्टेट बैंक में रखे है कितना, 20 करोड़ रुपया, ठीक है, और बाद में कुछ ऐसा कुछ टेक्निकल खराब हो गया कि उसका डाटाबेस ही उड़ गया, तो भय है ना? कुछ ना कुछ एक ऐसा प्रॉब्लम को, उनका जो अकाउंट का डाटाबेस ही उड़ गया, कभी कभी ऐसा होता है। क्योंकि प्रभु जी बोल रहे कि संसार में जो कुछ किया गया है सब इम्परफेक्ट व्यक्ति ने किए हैं, तो इम्परफेक्ट व्यक्ति ने किया है मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगा ही। तो मान लीजिए अगर डाटाबेस उड़ गया तो सब गया आपका काम से। आप LIC में रखे हैं, ठीक है, उसमें भी आप सही समय पे या कुछ चिटफंड कंपनी में आप दिए एक उम्मीद लगाकर कि मुझे वो मिलेगा, और अंत में वो नहीं मिलता, तो क्या होगा? तो इस प्रकार इस संसार में हर कोई किसी न किसी भय में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर कोई कृष्ण के चरणों में डेडिकेट किया है अपने लाइफ को, तो हम सबको पहले से ही पता है कि कृष्ण कभी किसी को धोखा
नहीं देते। कृष्ण किसी को धोखा देते हैं? नहीं देते। हम लोग जितना चाहे तो उससे कई ज्यादा हम हमारे जीवन में कृष्ण हम सबको दिए हैं। तो इससे प्रमाणित होता है, सिम्टम से व्यक्ति पता चलता है कि कृष्ण धोखेबाज है या कृष्ण ईमानदार है। जब हम लोग राइस बनाते हैं घर में तो एक दाना चावल से पता चलता है कि पूरा राइस पूरा चावल सिद्ध हो चुका है। उसी प्रकार जब से हम लोग कृष्ण भक्ति के क्षेत्र में आए, कृष्ण भक्ति के पथ में आए, तो पहले दिन से ही हम लोग को स्टेप बाय स्टेप पता चला कि कृष्ण हमें धोखा नहीं दे रहा है। इससे क्या पता चलना चाहिए कि कृष्ण हम लोग को जीवन के अंतिम क्षण तक रक्षा करेंगे, है ना। कुछ कुछ प्रेमी ऐसे जीवन में मिल जाते हैं जो पहले दिन में ही पता चलता है कि धोखेबाज है, या बेवफा करेंगे, या वफा करेंगे, या मुझे शादी करेंगे, या सिर्फ मुझे यूज करके छोड़ देंगे। कुछ कुछ प्रेमी या कुछ कुछ वफा बेवफा फटाक से पता चल जाता है, है ना। मैं अपना उदाहरण देके आप लोगों को बोला था ना, लक्ष्मी को मैं 6 दिन में शादी किया हूं, 6 दिन में डिसीजन लिया, 6 days 1 जनवरी 2021 मैं इनसे बात किया और 6 जनवरी को टिकट काटे और 16 जनवरी को महाकालेश्वर में शादी हुआ और 18 जनवरी को मायापुर लाए। कितना दिन टाइम लगा? लगा यद्यपि आप लोग बोल सकते प्रभु जी 15-16 दिन लगा, नहीं, 6 तारीख को ही सब कुछ हो गया, रिटर्न टिकट एवरी टिकट सब कुछ कर लिया 6 दिन में, ओनली 6 days। तो पहले ही पता चल जाता व्यक्ति के ऊपर कि व्यक्ति कैसा है ना। तो हम लोग जो कृष्ण भक्ति के पथ में आए हैं, हम लोगों को तो ये चीज आभास हो रहा है कि कृष्ण धोखेबाज है या कृष्ण ईमानदार है ना। विभा माता जी को फील होता है ना, माता फील होता है? नहीं 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 प्रभु जी, फील नहीं होता। मैं तो पहले से ही चाहती हूँ कि वृंदावन धाम मिले, लेकिन मैं कहाँ बोकारो के जंजाल में फंसी हुई, ऐसा फील होता है? नहीं। तो इसका मतलब माता जी भी प्रसन्न है कृष्ण भक्ति में। नंद किशोरी माता जी, आपको फील होता है कि कृष्ण आपको रक्षा करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं? जी प्रभु जी। हाँ जी। तो जो चीज पहले आपको अच्छा चीज मिले, इसका मतलब वो भविष्य में भी अच्छा रहेगा, लेकिन पहले पॉइंट में जब डुप्लीसिटी नजर आता है, मतलब ये गड़बड़ है। कुछ ना कुछ एक सिम्टोम भगवान हम लोग को दिखा देते हैं कि ये व्यक्ति झूठा निकलेगा, कुछ ना कुछ एक सिम्टोम दिख जाता है। लेकिन कृष्ण भक्ति में कोई झूठा नहीं है, कृष्ण भक्ति साक्षात कृष्ण रियलिटी। धोखा कौन देता है, मेरा प्रश्न? जिसके पास कुछ नहीं है दूसरों से लेने के लिए, जैसे चिटफंड कंपनी वाले जो एजेंट होते हैं, वो लोग धोखा क्यों देते? क्योंकि वो लोग भिखारी है, पढ़ाई लिखाई करके बेचारा अभी कुछ काम धंधा नहीं है, चिटफंड कंपनी खोले, लोगों से पैसा बोले कि 5 साल में डबल, 10,000 रुपया दो 5 साल में 20,000 होगा, 1,00,000 रुपया दो 5 साल में 2,00,000 होगा। तो चिटफंड वो लोग क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं और एक दो बार रिटर्न करते हैं और उसके बाद सब कुछ पैसा हड़प के ले जाते हैं। तो मेरा प्रश्न ये कि धोखा कौन देता है? जिसके पास धन नहीं है। तो क्या कृष्ण के पास किसी भी चीज का कमी है? ना प्रेम का, ना धन का, ना सुंदरता का, ना रहने का। चिंता मणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, सब कुछ है उनके पास। तो धोखा वो देगा नहीं। तो हम लोग ऐसे कृष्ण के भक्त हैं। आज मैं एक गाना सुन रहा था, मुझे विभा माता जी का वो गाना याद आया, मेरे बांके बिहारी नंदलाल वो तेरे मेरे गिरी, क्या है कितना इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो लग जाए। तो वो गाना बज रहा था, हाँ, तो मैं बोला कि अरे यही गाना तो हमारे विभा माता जी जूम क्लास में गाए थे। ठीक है, अभी तक मैं गीता माता जी के मुख से एक भी गाना नहीं सुना। पता नहीं जब पूजा करते हो उस समय भगवान को गाना गाते कि नहीं, या बोलते हैं कृष्ण को जब गोपाल की पूजा करते, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल, हम लोग ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, इस तरह से आप फिलोसॉफी देके पूजा करते, मुझे पता नहीं चल रहा है। गाना गाते हैं ना
नंद किशोरी माता जी गाते हैं जब भगवान की पूजा करते हैं? प्रभु जी गाना तो नहीं गाते हैं, आरती गाते हैं। गाना मत तो मैं आपको क्या परदेसी परदेसी जाना नहीं, वो गाना के लिए बोल रहे हैं? नहीं नहीं, भजन भजन जो होता है वो तो नहीं, वही आरती दो गो तीन गो कर लेते हैं ये? पूरा मतलब सुर में। लक्ष्मी कहाँ पे तार खोल रहे? हाँ देखो देखो तो कहीं पर तार जल रहा है। केक बना रही है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए, इसलिए केक का सेंट होता नहीं जिसमें तार पुरने जैसा। हम भी सोच रहा कि कहीं पर तार तो नहीं चल रहा है। तो ठीक है, हम लोग क्या एग्जांपल दे रहे थे, ये मीटिंग खत्म होगा 3 मिनट में, फिर हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लीला कथा को श्रवण करेंगे। गाना के चर्चा चला रहे थे गाना चाहिए भगवान के। अच्छा गीता माता जी पूजा करते थे क्या बोलते माता? लेकिन बोलते लेकिन मैं अपने अंदाज से बोल सकता हूँ कि गीता माता जी जब पूजा करते हैं ना तब वो हरे कृष्ण महामंत्र का सब समय कीर्तन करते हैं। एक दिन फोन लगाया और भूल गए कि मैं लाइन में हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे सब समय कर रहे हैं। संधारती या क्या क्या कर रहे थे? हाँ संधारती कर रहे थे, वो लैपटॉप का कुछ काम कर रहे थे, एनीडेक्स। उस समय मुझे पता चला माता जी सब समय हरे कृष्ण कीर्तन करते, सबसे बेस्ट महामंत्र। तो अच्छा है, सार चीज तो हम लोग को पता चला, हम लोग को सार चीज को पकड़ना है ना विभा माता? आम को खाना है या आम के पत्ता को खाना है या आम के डाली को खाना है या मूल शिकड़ को खाना है? आम को खाना है। हाँ तो आम क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र समस्त शास्त्रों का निचोड़। तो माता जी वही कर रहे, अच्छा है बुद्धिमानी का कार्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम तो पहले वही मंगलाचरण करते हैं प्रभु जी, मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद से भक्त ये भक्त वाला करते हैं, उसके बाद से आरती करते हैं मंगलाचरण में, वो जो लास्ट में जो आप करते हैं वे करते हैं तब आरती करते, मंगलाचरण जो बताते हैं वे पूरा कर लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पर और तो ज्यादा हमें नहीं आता है प्रभु जी। कोई बात नहीं माता, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे हम लोग जो चर्चा कर रहे थे इस श्लोक के ऊपर कि भगवान श्री कृष्ण के जितने सारे देवी देवता है सभी कृष्ण के अधीनस्थ है। कृष्ण किसी का अधीन में नहीं है लेकिन कृष्ण के अधीन में सभी है। ब्रह्मा भी कृष्ण के अधीन में है, शिव भी कृष्ण के अधीन में है, हम लोग भी कृष्ण के अधीन में है, लेकिन कृष्ण किसी के अधीन में नहीं है, उसको कहते भगवान, उसको कहते भगवान। तो हम लोग उसके भक्त है। प्राणमोहन प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे थे प्रभु? हाँ प्रभु जी बोलिए बोलिए। ब्रह्मा का जन्म तो भगवान कृष्ण के नाभि से हुआ, शिव का जन्म कैसे हुआ प्रभु जी? शिव कहाँ से आए? शिव ब्रह्मा के क्रोध से आया, दो ब्रह्मा के क्रोध से, क्रोध से, क्रोध से, ब्रह्मा के क्रोध से। तो ब्रह्मा से नीचे ना है प्रभु जी? ब्रह्मा से नीचे है लेकिन फिर भी वो भगवान का गुना बता रहे, फिर भी शिव तत्व तो शिव तत्व है। ये चीज को हम लोग, क्योंकि दो प्रकार का शिव है, पहले हम लोग को समझना है। एक शिव है सदा शिव और एक है महादेव।